राम भाजपा के थोड़े हैं, राम तो सबके हैं, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता राम के नाम से चिढ़ते हैं, कुछ नेता हिंदू नाम से चिढ़ते हैं, कुछ नेता हिंदू धर्म गुरुओं को अपमानित करना चाहते हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस की मूल विचारधारा को समझते ही नहीं, तो मैं उन्हें अज्ञानी समझ के माफ कर देता हूँ। आपने माफी दे दी है उनको। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, क्षमा वीरस्य भूषणम, यह हमारे शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन गीता का उद्घोष है सत्य सार्थक सर्वदा, और कांग्रेस पार्टी भगवान कृष्ण के इस उद्घोष के साथ वसुधैव कुटुंबकम विश्व बंधुत्व और महात्मा गांधी का जो सिद्धांत है उसको लेकर के चलेगी और सशक्त होगी। मेरा पूरा विश्वास है कि 2024 में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी। एक बड़ा धड़ा ये भी कह रहा है, आपने बड़ा स्टेटमेंट दिया, एक बड़ा धड़ा ये भी कह रहा है कि जो यथास्थिति है वो बरकरार रहनी चाहिए, सोनिया गांधी के नेतृत्व में 2024 लड़ा जाना चाहिए और भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकाले, क्या है? ये एक अच्छा रास्ता होगा जो अभी असमंजस है उसको खत्म करने का? नहीं, अभी पार्टी ने इसका फैसला नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है ये अच्छा रास्ता नहीं होगा, क्योंकि अगर ये रास्ता चुना गया तो फिर कांग्रेस का जो इलेक्शन प्रोसेस है, जो राहुल गांधी जी का पूरा संकल्प और उनकी जो भावना है वो फिर किल हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी और बीजेपी को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। आपको लगता है ये ऑप्शन नहीं है? ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये जो भी राय दे रहा वो ना तो कांग्रेस का हितैषी हो सकता है, वो या तो अज्ञानी है या कोई बहुत बड़ा साजिश कर रहा, बहुत बड़ी साजिश कर रहा। क्या अगर चुनाव होते हैं और जो इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं प्रक्रिया होती है, तो वहाँ पे एक डर सता रहा है पार्टी आलाकमान को कि कोई ऐसा ना चुन के आ जाए जो राहुल गांधी के व्यक्तित्व को छोटा करे या कदकाठ को उनके काट दे, या कांग्रेस का अध्यक्ष अगर गांधी परिवार के मन का ना हुआ, नया कोई अध्यक्ष आ गया जो अपने विचार इम्पोज करने लगा, तो वो एक खतरा हो जाएगा गांधी परिवार के वजूद और वर्चस्व का पार्टी में? नहीं नहीं, मुझे ऐसा डर सता रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि गांधी परिवार किसी से डरता है। गांधी परिवार जब नरेंद्र मोदी जी से नहीं डरता तो और किससे डरेगा? ये सवाल मुझे नहीं लगता कि इस सवाल का कोई महत्व या औचित्य है। नहीं, क्योंकि एक पावर सेंटर गांधी परिवार लगातार जो पावर सेंटर बना हुआ है बरकरार है, ईडी की तफ्तीश होती है, पड़ताल होती है, सारे कांग्रेसी सड़कों पर उतर आते हैं, पार्लियामेंट उस समय चल रहा होता है, महंगाई पे चर्चा हो रही होती है, पर पूरी ईडी को लेके सख्ते में होती है कांग्रेस पार्टी, और उसके बाद एहसास होता है कि भाई जनता का मसला भी हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, तो आप महंगाई का जोड़ते हैं। पहली बार जब होता है तो सिर्फ ईडी का प्रोटेस्ट गांधी परिवार को लेके होता है, तो वो जो एक पूरा पावर सेंटर है उससे कॉम्प्रोमाइज़ करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं कि नहीं, और इसी पर लगातार प्रधानमंत्री कटाक्ष करते हैं, लगातार यही परिवारवाद तो है कि आप रिमोट कंट्रोल से अगर चलाएंगे तो कैसे चलेगी पार्टी, फिर रिमोट कंट्रोल से चल रही है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि एक तो गांधी परिवार ने कभी ऐसा कहा हो कि हमें अध्यक्षता दे दो। कांग्रेस पार्टी के लाखों नेताओं ने, करोड़ों कार्यकर्ताओं ने ये कहा कि सोनिया जी अध्यक्ष बने, तब सोनिया जी ने अध्यक्षता स्वीकारी थी। उसके बाद राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दिया, किसी के कहने से, किसी ने मांगा थोड़ी था। तो मुझे लगता है ये थोड़ी बेईमानी होगा ये आरोप लगाना। और फिर गांधी परिवार अगर सत्ता का इतना लालची होता तो 2004 में सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बन सकती थी, 2009 में बन सकती थी, या राहुल जी को 2011-12 में प्राइम मिनिस्टर बनाने की सीधी ऑफर दी गई थी, ऐसा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी कहा। और अगर हम ऐसा कहेंगे तो नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो योग्यता है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, और गांधी परिवार किसी से नहीं डरता है और ना कांग्रेस पार्टी किसी से डरती है, लेकिन गांधी परिवार और कांग्रेस का रिश्ता वो रिश्ता है जो धूप छांव का रिश्ता है, वो रिश्ता है जो सुबह शाम का रिश्ता है, वो रिश्ता है जो रात और दिन का रिश्ता है, वो रिश्ता है जो मीरा श्याम का रिश्ता है।